उधर रीवा में दुष्कर्म का आरोपी बाबा गिरफ्तार कर लिया गया है। रामदास महाराज सिंगरौली से गिरफ्तार कर लिया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो आरोपी इस पूरे मामले में दुष्कर्म का आरोपी बाबा गिरफ्तार किया गया है। तो रीवा में दुष्कर्म का आरोपी बाबा गिरफ्तार कर लिया गया है। रामदास महाराज सिंगरौली से इसकी गिरफ्तारी की गई है। रामदास महाराज की आरोप है दुष्कर्म के, तो गंभीर आरोप, और इन आरोपों के बाद यहां पर गिरफ्तारी भी हो गई है। तो एक्शन मोड में पुलिस प्रशासन, महंत सीताराम दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला है, कथा वाचन के लिए रीवा आया हुआ था आरोपी। आरोपी के साथ नाबालिग को बहला फुसलाकर लेकर आए थे। सर्किट हाउस में बाबा पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है। तो कमरा नंबर NXC 4 में वारदात को अंजाम दिया गया। ये आरोप लगे हैं, 28 मार्च की पूरी घटना है, वारदात है। आरोपी श्रीराम जानकी मंदिर बहराइच का गद्दी प्रमुख बताया जा रहा है। तो इसका नाम है महंत सीताराम दास। तो कथा वाचन के लिए रीवा आया हुआ था आरोपी। तो आरोपी का नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगा हुआ है। सर्किट हाउस में बाबा पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। तो यह पूरा मामला है, और इस पूरे मामले में आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यह पूरी घटना 28 मार्च की, और सिंगरौली से संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये पूरा मामला क्या है और पुलिस ने कहां से गिरफ्तारी की आरोपी बाबा की? बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मछली को लेकर संज्ञान में लिया था, उसके बाद जो है सिंगरौली पुलिस भी सक्रिय हो गई थी और रीवा की टीम भी सिंगरौली में आई थी, और दबिश देकर आज जो है विंध्यनगर थाना क्षेत्र में इसे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बाबा को विंध्यनगर थाना में रखा गया है अभी फिलहाल, लेकिन जो विंध्यनगर की PI टीम है उन्होंने टीम गठित कर इन आरोपियों को इसको गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, तो सिर्फ बाबा पर आरोप है या इसके किसी सहयोगी पर भी आरोप लगे हैं? बिल्कुल, अभी तो पुलिस इस मामले पर बिल्कुल खुलासा नहीं कर रही है, क्योंकि हम लोग भी अभी इसी प्रांगण में खड़े हैं जहां पर आरोपी है, लेकिन साफ तौर पर है पुलिस का कहना है कि हम छानबीन कर रहे हैं, इसके बाद ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल बाबा की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है और पुलिस ने जो है विजुअल्स भी यहां पर जारी कर दिए हैं, क्योंकि उसे बैढ़न से गिरफ्तार किया गया है और बैढ़न से गिरफ्तार करके उसे जो है विंध्यनगर थाना क्षेत्र में ले जाकर रखा गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका।